मामूली विवाद में सरेआम एक युवक की बेरहमी से हत्या, बीच बचाव करना युवक को पड़ा भारी, धारदार हथियार से हमला, न पुरानी रंजिश न कोई पारिवारिक विवाद, आखिर क्यों और किस लिए चली गई रवि की जान। बस्ती के नगर थाना इलाके के पकेनिया दीप गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मामूली विवाद में एक युवक ने चाकू से दूसरे युवक पर हमला कर दिया। हैरानी वाली बात ये रही कि जिस युवक पर हमला हुआ उससे कोई विवाद ही नहीं था, वो तो सिर्फ बीच बचाव के लिए पहुंचा था, लेकिन आरोपी ने उसे नहीं बख्शा। भैया वहाँ पे बारी जोत गांव है, वहाँ पे दिवाली मनाने आया था, मृतक का नाम रवि है, रवि रावत नाम है, और वहाँ पिता का नाम जमुना प्रसाद है, तो सब लोग वहीं पे अपना मना रहे थे। फिर हम जब आवाज गया घर तक सुनाई दिया, तो हम भी गांव से भागते गए तो देखे वहाँ पे जाके उसका आंखों का निकल गया था। मृतक जो मृतक को मारा गया था, उसका जो मारा था उसका नाम सचिन था, सचिन गौतम। इस मामले में पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो अभी कुछ नहीं कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये है कि मृतक उसको जो नगर थाना है, लेकिन ये है कि मतलब उसको पकड़ लिया गया है, मुर्जिम को पकड़ ले गए थाने में, सब लोग बंद किए हैं। बुढ़िया देवी हमारा बेटा जैसे था जो हाथ में इसके लगाया था, हम देखे हाथों में देखो तो खेते रहना, धान बैठा धान काटत रहना। जांच में सामने आया है कि रवि पटना में रहकर नौकरी कर रहा था, हाल ही में वो अपने गांव वापस आया था। उसी गांव का रहने वाला सचिन भी मुंबई में रहकर काम कर रहा है और दिवाली के मौके पर घर आया था। आरोप है कि सचिन शाम के वक्त अपनी बाइक से जा रहा था, तभी जोत प्राथमिक विद्यालय के पास दो लोगों से विवाद हो गया। हंगामे की बात सुनकर रवि वहां पहुंचा और बीच बचाव करने लगा, तभी सचिन ने रवि के चेहरे पर किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसके बाद भी दिल नहीं भरा तो चेहरे पर खूंसे भी बरसाए, जिससे रवि वहीं उसी जगह बेहोश हो गया। थाना नगर जनपद बस्ती में एक सूचना मिली कि एक रवि रावत का एक सचिन व्यक्ति से झगड़ा हो गया, उसमें रवि को आंख के पास काफ़ी गंभीर चोट आई, जिसमें उसको अस्पताल ले जाया गया। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया गया। इसमें अभियुक्त सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या का मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की कोशिश। गांव वालों का आरोप है कि आरोपी सचिन ने नशे का आदी है और विवाद भी नशे में ही शुरू हुआ था, जिसके बाद उसने रवि की जान ले ली। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस हत्याकांड से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज नया भारत। गजेंद्र फिलिंग स्टेशन सीएनजी गैस स्टेशन का ऑनलाइन पाइपलाइन हाई प्रेशर के साथ सभी सम्मानित ग्राहक सीएनजी शुद्ध माप के साथ सेवा का लाभ उठाएं। डीजल पेट्रोल सीएनजी शुद्ध नाप सही माप 100% शुद्धता की गारंटी 24 घंटे सेवा उपलब्ध। पता है भूअर निरंजनपुर महसो रोड जेल गेट के सामने।